बड़ी खबर नालंदा से। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पथराव मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा निकल रही थी। पथराव में कुछ लोगों को चोट आई है, कई बाइकों में आग लगाई गई है। पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। पथराव के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, नालंदा से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता शिव कुमार, हमारे साथ नालंदा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव, सबसे पहले फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि यह पहले से ये निर्णायक था कि आज जो है शोभा यात्रा निकाली जाएगी बिहार शरीफ में, और इसके लेके यहाँ पे जो एसपी है पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा, उन्होंने काफी बलों का प्रयोग किया था और अतिरिक्त बल भी लगाए थे यहाँ पे। लेकिन बावजूद इसके आज जो है ये शोभा यात्रा सरभारवा मार्ग होते हुए सोसराय से लेकर गगन दीवान तक जा रही थी। इसी दौरान जो है गगन दीवान में जो है वहाँ पे मस्जिद भी है और वहाँ पे आगे में कब्रगाह भी है, वहीं पर जो है इस तरह का झड़प हुआ। और झड़प होने के बाद देखिए बाइकों में भी आग लगा दी गई, पथराव किया गया है, कई लोग घायल भी हुए और अभी जो है मौके पर पुलिस वहां पे कैंप कर रही है। जी बताया गया। बिल्कुल, देखिए जानकारी ये भी है कि शोभा यात्रा में जो पथराव हुआ है इस दौरान कई लोगों को चोटें भी आई हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? क्या प्रशासन की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है? क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि प्रशासन की तरफ से यहाँ पे कैंप किया गया पहला तो, और दूसरा जो है लोगों को समझाने की बात की जा रही है। यहाँ पे दोनों जो समुदाय हैं उनके जो यहाँ पे बड़ी अधिकार बड़ी लोग हैं उनको बुलाकर और यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है। दोनों को कह रहे हैं कि भाई इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, पहले तो ये बात है। दूसरा, जो घायल है वो घायल लोग जो है कई जो है वो निजी क्लिनिक वगैरह में गए हैं और छोटे मोटे जो चोटिल हुए हैं उन्हें साधारण उपचार के बाद उन्हें अपने देखरेख में रखा गया, पुलिस के देखरेख में। जी बिल्कुल शिव, जानना चाहेंगे इस वक्त कैसा माहौल है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि इस वक्त प्रशासन की टीम की मौजूदगी भी वहां पर है। जी, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि यह सुनिश्चित था पहले से ये शोभा यात्रा निकाला जाना था और इसके लिए लोगों ने पहले से अल्टीमेटम दे दिया था कि हमें किसी तरह का त्रुटि नहीं चाहिए, क्योंकि रमजान का महीना भी है और इसके लेके अभी जो है शाम का वक्त होता है, उनका रोजा खोलने का वक्त होता है, इसको लेकर कहीं कहीं। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।